सामाजिक न्याय की बात है तो सामाजिक न्याय जैसे ही सामने आती है अवधारणा, सबसे पहले जो शब्द आते हैं समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और आज़ादी के 70 बरस बीत गए, आज भी ये तीनों लक्ष्य पूरे नहीं हुए। हम देखते हैं जातिगत, धर्मगत, लिंगगत, संप्रदायगत, भाषागत, इन सभी आधारों पर आज भी ये भेदभाव जारी है। एक पंक्ति आपके सामने बार बार आती होगी, दलित होकर भी इतना योग्य। ये शब्द, ये वाक्य आज भी आपको सुनाई देता होगा। लानत है ऐसी व्यवस्था पर, के ऐसे संविधान पर, कि जब हमें ये कहना पड़े कि दलित होकर भी इतना योग्य। हम वह समानता का वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। और बड़ा समय पहले श्रीलांशो ने रात दरबारी में संविधान के बारे में कहा था कि संविधान ऐसी पुस्तक है जिसे कोई पढ़ता नहीं। तो मुझे यही लगता है कि 70 वर्ष से वो पढ़ी ही नहीं गई है, सिर्फ जुमला के तौर पर हमारे सामने है। पर हम जो सामाजिक न्याय की गहराई तक जाना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, वो चीजें हमारे पास नहीं है। और इस क्रम में मैं बहुत थोड़ा सा समय लेते हुए आपको दो बातों पर ले जाऊंगी। जैसा कि अभी बलराज भाई ने भी महाभारत का प्रसंग उठाया, मैं नाट्यशास्त्र की बात करती हूँ। चौथी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व, नाटक मेरा विषय रहा है और कहानी उपन्यास लिखा है मैंने। नाटक जब नाट्यशास्त्र लिखा गया और नाट्यशास्त्र को कहा गया था पंचम वेद, बड़े जनतांत्रिक अप्रोच वाला शब्द था पंचम वेद, कि भाई जिसमें सिर्फ शिक्षित व्यक्ति नहीं, शिक्षित व्यक्ति भी जो नहीं पढ़ रहा लिख पा रहा, लेकिन लिख कर वो दृश्य माध्यम के तहत उसे जाने, उसे समझे और वो भी जागरूकता उसमें। कहने को तो पंचम वेद था, पर जब आप नाट्यशास्त्र उठाते हैं तो तमाम रीति रिवाजों से ये युक्त एक ग्रंथ लगता है, एक बिल्कुल धार्मिक ग्रंथ की तरह आपके सामने आता है। उसका एक ही उदाहरण मैं आपको दूंगी, कहने को बहुत सारे उदाहरण हैं पर उन तफसीलों में नहीं जाना है मुझे। एक उदाहरण मैं दूंगी और जिससे मैं आज की चीज को जोड़ना भी चाहूंगी। वो उदाहरण है जब नाट्यशास्त्र में प्रेक्षागृह बने, ऑडिटोरियम बन रहे थे और उसमें चार स्तंभों की स्थापना हुई, ब्राह्मण स्तंभ, क्षत्रिय स्तंभ, वैश्य स्तंभ और शूद्र स्तंभ। भेदभाव की परतें देखिए जरा। ब्राह्मण स्तंभ जब स्थापित होगा तब जो कर्मकांड होंगे, पंडित को स्वर्ण दिया जाएगा, घी वाली खीर दी जाएगी। क्षत्रिय स्तंभ जब होगा और उसको तांबा दिया जाएगा भेंट में, वही जो है दूध की खीर दी जाएगी। वैश्य स्तंभ होगा तो उसको चांदी भेंट की जाएगी ब्राह्मण को, और जो है वैसा ही कुछ गुलाब जैसा कुछ होगा। और जब शूद्र स्तंभ की स्थापना होगी तो लोहा दिया जाएगा और साथ में खिचड़ी दी जाएगी। आज की खिचड़ी समझ हो रही है, ये पुरानी खिचड़ी से जोड़ी। तो ये जो भेदभाव की परतें थी और ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर हैं, इस असमानता की खाई बहुत गहरी है। और आज अगर हम देखते हैं बहुत समय बाद इस मार्च में कमानी ऑडिटोरियम में एक नाट्य महोत्सव हुआ था, टेक महिंद्रा की तरफ से हुआ था, महिंद्रा थिएटर फेस्टिवल। और उस फेस्टिवल में एक नाटक हुआ जो शरण कुमार लिंबाले की आत्मकथा थी अक्करमासी। अक्करमासी पर नाटक हुआ आउटकास्ट नाम से, जिसके निर्देशक थे रणधीर सिंह। ये नाटक मैंने देखा था और इस नाटक के बाद जो सवर्ण मानसिकता की जो गूंजें आई थी वो भी मैंने सुनी। पहले तो यही कहा जाता था कि भाई दलित नाटक नहीं है, नहीं है दलित नाटक। आगे तो ये कहा जाता था कि ये तो सिर्फ कथ्य की बात करते हैं, इनमें कला नहीं होती, कला जो है शिल्प की कोई बात नहीं होती, सीधी सपाट बयानी में अपनी बात रख देते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों ने भी आउटकास्ट देखा होगा ये, या ये दोबारा इसकी प्रस्तुति होगी, अब अगर इस नाटक को देखते हैं तो निर्देशक ने बिल्कुल नव्यतम जो थिएटर क्राफ्ट है उसके तहत इसमें बहुत सारी नई चीजें इसमें डाली, इस
स्क्रीन के का प्रयोग किया, प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया, पानी जो बार बार उसमें नदी आती है उसके लिए बहुत अच्छे बिंबों का प्रयोग किया। और उसके बाद सवाल ये उठने लगा कि क्राफ्ट की ज्यादा गंदगी मचा दी गई है नाटक में और कैसे बर्बाद ही नहीं, मतलब जाए तो जाए कहा कि यहाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं, कथ्य के आधार पर भी गलत है, शिल्प के आधार भी गलत है, और शिल्प आपने क्यों चुन लिया इनको, ये तो दूसरों की पकौती थी, आपने क्यों इसे अपना। तो ये जो सारी चीजें हैं वह अंदर नहीं कर पाती हूँ कि नाट्य शास्त्र में भी वही छुआछूत थी जो आज भी जारी। तो ये जो चीजें हैं कुछ मुझे लगती हैं और इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये लंबी लड़ाई है, कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये अभी शुरुआत है। पर बहुत अच्छा लगा था इस बार पुस्तक मेले में गई थी, हर स्टॉल पर दलित साहित्य की गूंज बहुत तेजी से मुझे सुनाई थी, चाहे वो कविता हो चाहे कहानी हो चाहे, और सबसे बड़ी बात नाटक जैसा जो विषय जो अछूता था वो भी बहुत अछूता तौर पर सामने आया। तो मैं फिर से एक बार अम्बेडकर लेखक मंच को बधाई देती हूँ उनके इस पहले आयोजन के लिए। हमारे कॉलेज में मुझे ही जो है वक्ता के तौर पर आमंत्रित करने के लिए भी बहुत बहुत आभार आप सबका।